नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जामपुर के YouTube चैनल पर। मैं तेजस कुलश्रेष्ठ आप सभी लोगों का स्वागत करूंगा। तो जैसा आपको मालूम है कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी, मैंने कहा था कि मैंने आपको मार्केट के बारे में, बाजार के बारे में मैंने बताया था, जिसमें मैंने संगठित बाजार या जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से, इसमें बाजार को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, बाजार को कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो बाजार को चलाती हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों से हमने यहां पर चर्चा की थी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास के बारे में हम बात करेंगे कि मार्केट में क्या होता है मार्केट, और इसके अलावा जो हमारा असंगठित बाजार है जिसको हम बोलते हैं यहां पर एक तरीके से एक ऐसा बाजार जिसको रेगुलेटेड नहीं किया जाता, इसको एक तरीके से असंगठित बाजार है, जिसमें हम ये जानेंगे कि बाजार में, जिसको हम बाजार बोलते हैं, उस बाजार में कुछ ऐसी संस्थाएं या ये कहा जाए जहां पर खरीदने वाला बेचने वाला आपस में तय करेंगे कि किस दर पर हम चीजों को यहां पर बेचें। तो आइए शुरुआत करते हैं इन तमाम चीजों के बारे में। तो जैसे आपको मालूम है कि पिछली क्लास में मैंने आपसे बात किया था मनी मार्केट के बारे में, जिसको मुद्रा बाजार बोलते हैं, कैपिटल मार्केट के बारे में बात किया था जिसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी बाजार बोलते हैं, और आज जो बारी आ रही है वो आई है असंगठित बाजार के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के नाम से कहा जाता है, जिसमें अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहां पर एक लिखा है पूर्ण प्रतियोगिता, इसको परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट के नाम से यहां पर हम बात करेंगे। इसके अलावा पिछली क्लास में आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था मनी मार्केट, जिसको हम बोलते हैं जिसको मैंने बताया था कि इसको आरबीआई द्वारा किया जाता है, वहीं पर कैपिटल मार्केट को सेबी द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। आपको याद होगा ये तमाम चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में ढंग से बताया था कि जो जो इसके इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आईपीओ हो गया, एफपीओ हो गया, प्रेफरेंशियल इश्यू शेयर्स क्या होते हैं, शेयर आप जानते हैं, इक्विटी शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बकायदा आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। उसी चीज को देखते हुए आज जो मैं आपके सामने बात करना चाह रहा हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इसके अलावा मोनोपोलिस्टिक, और मैं डिमांड और कोशिश हुआ तो मैं आपको डिमांड और सप्लाई के बारे में भी आपको मैं अवश्य बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो ये तो था जो हमने पिछली क्लास में बात किया था, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, इश्यूज, शेयर, बीएससी, एनएससी। अब हम बात करेंगे इन मार्केट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक शब्द लिखा है मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली और ओलिगोपोली बीच में एक शब्द और आता है डुओपोली। अभी मैं समझाऊंगा ये इस शब्द का मतलब क्या है, ढंग से समझिएगा, ठीक है। मोनोपोली, ओलिगोपोली, डुओपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक और होता है जिससे हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मोनोपोली का मतलब यह होता है कि एक ही बंदा बेचने वाला है, बाकी सब खरीदने वाले हैं। मोनो का मतलब होता है यहां पोली मतलब सेलर और मोनो मतलब सिंगल या मतलब एक ही बंदा है, ओनली वन सेलर, कि एक ही बंदा है जो बेचने वाला है, बाकी लोग क्या है, खरीदने वाले हैं, उसको हम दर्शाते हैं आपका किससे, मोनोपोली से। ध्यान से सुनना, मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बाय, कई सारे लोग खरीदने वाले और बेचने वाला इकलौता। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा
कि ऐसा कौन है जो एक ही आदमी है जो बेच रहा है और हम उस वो जिस रेट में चाहेगा, वो जिस रेट में चाहेगा उस रेट में बाजार में बेचेगा और आपको उससे खरीदना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, वो जिस रेट में चाहेगा उस रेट में आपको खरीदना पड़ेगा और जिस रेट में चाहेगा उसको बेचेगा और आपको उस रेट में आपको उससे खरीदना पड़ेगा। ऐसे चीज को हम बोलते हैं मोनोपोली। जी हाँ, मोनोपोली के नाम से उसको यहां पर कहा जाता है। अब सुनो, क्या हो सकता है एग्जाम्पल, जैसे सरकारी संस्थाएं, ऐसी सरकारी संस्थाएं जो सेवाएं देती हैं, जो आपको चीजें उपलब्ध कराती हैं, जैसे मान लो हो गया भारतीय रेल, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी जो आपको विद्युत दिलाती है, मैं उन चीजों के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। मतलब सिंगल सेलर, वही सिंगल सेलर जिस स्टेट में चाहेगा उस स्टेट में बेचेगा, उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। तो जैसे मैंने आपसे कहा रेलवे, भारतीय रेल, जब मैं भारतीय रेल के बारे में बात करता हूं, जैसे आप जानते हैं कि रेल जो होती है, भारत की जो भारतीय रेल है, जिसमें गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर वर्ग का आदमी इसमें क्या करता है, ट्रेवल करता है, मतलब एक तरीके यात्री के हिसाब से वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। तो आप जानते हैं कि भारतीय रेल, भारतीय अगर रेलवे यहां पे अपने टिकट का जो भाड़ा है उसको बढ़ा दे, टिकट का भाड़े को बढ़ा दे, तो क्या आपको लगता है कि टिकट के भाड़े के बढ़ने के बाद क्या कोई रेलवे में यात्रा नहीं करेगा? करना पड़ेगा, मजबूरी ऐसी है, क्योंकि हर आदमी हवाई जहाज में सफर करना नहीं कर सकता। इसीलिए हिंदुस्तान की लाइफलाइन कहा जाती है रेलवे। इस रेलवे के बेसिस पर जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कहानी है कि रेलवे से हमें यह समझ में आता है कि रेलवे जिससे अगर रेलवे ने यहां पर क्या कर दिया, रेट को बढ़ा दिया, टिकट के रेट को बढ़ा दिया, तो हमें यह भी समझना पड़ेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोपोली, मतलब एकाधिकार, उसके पास अधिकार है और उसने अपने अधिकार से चीजों को बढ़ा दिया। अगर मान लीजिए रेलवे ने अपने फेयर को बढ़ा दिया, तो क्या आपके पास कोई जरिया है कि आप अपनी रेलवे लाइन घर से लेके चलेंगे, खुद का रेलवे ट्रैक बिछाएंगे? आप कहेंगे नहीं। समझ में आई मेरी बात को? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि रेलवे, अगला मैंने जो उदाहरण दिया वो है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। आपके क्षेत्र में बिजली देने वाली वो कंपनी या वो बिजली का निगम, बिजली निगम या जो भी संस्थाएं हैं जो बिजली आपको देती है, अगर उसने कहा कि मैं बिजली की दर को बढ़ाता हूं, जो यूनिट है सरकार अपनी तरफ से बिजली की दरों में संशोधित करती है, उस रेट को या तो वो बढ़ाती है या फिर उसको वो कम करती है, तो समस्या नहीं है। ये एक तरीके से माना जाए कि उस बिजली कंपनी की मनमानी कहें या बिजली कंपनी की जो रेट पर चाहे आपको अप लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप बिजली उपभोक्ता हैं और सरकार ने कहा कि कल से बिजली की दर में बढ़ोतरी होगी, तो क्या आप बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे? आपको करना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात को? तो ऐसी चीजें देखिए, इसको समझने का मेन मोटिव यही है ताकि हम ये जान सकें कि आखिर में किसको किस धारणा से उसको यहां पर रखा गया है। तो जैसे मैंने आपसे कहा, मोनोपोली मतलब एक व्यक्ति है जो बेच रहा है, बाकी लोग खरीदने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये उदाहरण समझ में आ गया
होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है आप सभी को, हां या ना? ठीक है, चलिए तो ये तो था मोनोपोली के बारे में, तो ये शायद आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अगला जो मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगला जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो है मोनोपोली और डुओपोली। देखिए इतने शब्द हैं, मोनोपोली डुओपोली, ये ग्रीक वर्ड हैं, ठीक है, मिश्र शब्द हैं, वहां से इन शब्दों को लिया गया है। अगला जो शब्द आपका आता है जिसको बोलते हैं डुओपोली, डुओपोली का मतलब होता है कि बाजार में जो कंपटीशन है, बाजार में जो कंपटीशन है या प्रतिस्पर्धा है वो दो लोगों के बीच में है, बिटवीन टू, और उस वस्तु और सेवाएं मतलब गुड्स और सर्विस को बेचने का अधिकार या सिर्फ बाजार में वही दो कंपनी हैं जो बाजार में स्थापित हैं, और वही कंपनी आपस में क्या चल रहा रहता है, कंपटीशन। मेरी बात समझिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो जब मैंने कहा कि कंपटीशन है दो लोगों के बीच में, तो जो दो लोगों के बीच में कंपटीशन है उसका मैं क्या बोल रहा हूं, डुओपोली, मतलब कंपटीशन है दो लोगों के बीच में। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, बिटवीन टू, ठीक है। तो जब मैंने आपसे कहा बिटवीन टू, जैसे क्या हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है, इसके थोड़े बारे में आप लोगों से मैं चर्चा करता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा क्या हो सकता है, सोचिए कि बाजार में वही दो लोग हैं, तीसरा इंसान आता ही नहीं है, वो वहां पे एग्जिट ही नहीं करता है, स्थापित ही नहीं है, वो तीसरा नहीं है वहां पर, तो क्या होगा उसका सही आंसर जरा कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, क्या होगा तीसरा, वो तीसरा कौन होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए उसमें तीसरा कोई नहीं है तो क्या हो सकता है, जैसे जब आप कोल्ड ड्रिंक उठाते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, गर्मी आ रही है, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ जाएगी, तो जब आप कोल्ड ड्रिंक उठाते हैं तो कहते हैं कंपटीशन बिटवीन टू, वो जो कंपटीशन है वो दो लोगों के बीच से है, पेप्सी और कोको कोला। भैया बाकी तो ब्रांड है ना, उनके मेन दो कंपनी यही है ना, पेप्सी कोको कोला, हाँ या ना? इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है बाजार में, अगर टैक्सी की बात करोगे, उबर और ओला, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, मैं किसी राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, जो संपूर्ण भारत में अपनी सेवाएं दे रहा है, मैं उन कंपनियों के बारे में यहां पर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। पेप्सी, कोको कोला, उबर या ओला, अगला जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं वो है आपका जोमाटो और स्विगी, जोमाटो और स्विगी, ये दो कंपनियां ऐसे हैं जो सेवाएं बराबर निरंतर तरीके से दे रही हैं, मतलब जो कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ दो कंपनियों में, फूड डिलीवरी कंपनियों में, यही दो कंपनी स्थापित हैं जो संपूर्ण भारत में इस तरीके से सेवा मुहैया करा रही हैं। ऐसे कंपटीशन को हम क्या बोलेंगे, डुओपोली के नाम से कहा जाएगा। अगला जो मैं बात करने जा रहा हूं ये तो रहा डुओपोली के बारे में, मेरे ख्याल से आपको मोनोपोली क्लियर होगा। मोनोपोली जहां पर सिंगल है और डुओपोली जहां पर दो लोगों के बीच में बाजार है, कंपटीशन है, ठीक है। अब आप देखिए, मैं क्यों कहा कि इसको नियंत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं है, वो जिस रेट में चाहें उस रेट में बाजार में चीजों को आसानी से बेच सकते हैं,
इसलिए तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आखिर में इन चीजों के बारे में जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं इसका अभिप्राय क्या है। ठीक है, तो अगली हम बात करेंगे ओलिगोपोली के बारे में। ओलिगो का पोली मतलब होता है फ्यू सेलर, बेचने वाले तो हैं, खरीदने वाले भी बहुत हैं, लेकिन जो बेचने वाले हैं वो बहुत कम हैं। मतलब बहुत कम संख्या में बेचने वाले हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है आपका ओलिगोपोली। ध्यान से सुनना, तो ओलिगोपोली का मतलब होता है फ्यू सेलर, खरीदने वाले तो बहुत हैं, बेचने वाले कुछ ही हैं। इसका आंसर क्या? आप कहेंगे सर ये क्या कैसे हो सकता है भैया, ऐसे भी बाजार है जैसे आपके मोबाइल में लगने वाला सिम। टेलीकॉम कंपनियां कितनी हैं? कुछ ही तो हैं। क्या आपको लगता है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं? तो आप कहेंगे नहीं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल यही तो हैं, और कोई है? नहीं है। इसके अलावा डीटीएच सर्विस, डायरेक्ट टू होम, एयरलाइन जो आपको हवाई सेवाएं देती हैं, हवाई यात्री की सेवाएं देती हैं, तो अगर आप इन लोगों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस हिसाब से अगर टेलीकॉम, डीटीएच, एयरलाइन इंडस्ट्रीज, तो ये सारी चीजें जो हैं उसको यहां पर आपका जोड़ा गया है। इज इट क्लियर टू यू गाइस? समझ में आ रहा है यहां पे सभी लोगों को? ठीक है, तो जैसे मैंने कहा आपसे टेलीकॉम, डीटीएच, एयरलाइन इंडस्ट्रीज, उन सभी चीजों को यहां पर उल्लेख में किया गया है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, कि आप सभी लोगों को पॉइंट क्लियर है यहां पर? हाँ या ना बताइए, क्लियर है यहां पे सभी लोगों को? ठीक है, तो जैसे मैं आपसे कहा टेलीकॉम, डीटीएच, एयरलाइन इंडस्ट्रीज, ये सारे इंडस्ट्री जो हैं उससे सम्मिलित हैं। ठीक है, क्लियर है यहां पे सभी लोगों को? ठीक है, तो ये तो रहा हमारा ओलिगोपोली के बारे में, जिसके बारे में हम यहां पर आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां पे? कोई डाउट जो पूछना है पूछ सकता है यहां पे। ठीक है, तो ये तो रहा जिसके बारे में आपसे बात की। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। मोनोपोलिस्टिक मतलब होता है कई कई सारे लोग खरीदने वाले और कई सारे बेचने वाले, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। अब इसको समझिएगा, मोनोपोलिस्ट मैंने आपसे कहा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है कि कई सारे लोग खरीदने वाले हैं और कई सारे लोग क्या हैं, बेचने वाले हैं, जिसके आधार पर मैं आप लोगों से बात करूंगा। इसको समझिएगा, आप बाजार में जाते हैं, बाजार में आपको कुछ चीजें ऐसी नजर आती हैं, जैसे मैं अगर कहूं कि एक चीज, एक वस्तु की कई सारे उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे हमारे डेली नीड्स, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जैसे मैं आपसे कहा कि कई सारे लोग बेचने वाले, कई सारे लोग खरीदने वाले, इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ध्यान से सुनना, मोनोपोलिस्टिक
कंपटीशन मार्केट के नाम से उसको यहां पर आपका कहा जाता है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स के नाम से उसको हम यहां पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहां पे समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू यू गाइस? आर ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा कि कई सारे लोग खरीदने वाले हैं और कई सारे लोग क्या हैं, बेचने वाले हैं, जिसके बारे में हमने आपसे यहां पे चर्चा की। जैसे साबुन हो गया, सोप हो गया, तेल हो गया, शैम्पू हो गया, डीओ हो गया, बहुत सारी चीज। भाई ये तो चीजें आप देखो मार्केट में कितने सारी चीजें अवेलेबल है बाजार में, ऐसा तो नहीं है कि एक ही है, कई सारे लोग अवेलेबल है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत उसको हम यहां पर रखेंगे। क्लियर हो रहा है यहां पर सभी लोगों को? यहां पर चलिए अगला मैं जो बताना चाह रहा हूं, अगला वो है आपका, अब इसको बात कर लेते हैं। आई थिंक सबको क्लियर है, एक बार सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अगला है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब यह हुआ कि कोई, जैसे आप बाजार जाते हो, ठीक है, बाजार आप जाते हो, आपने सब्जी लेने गए या फिर आप कोई ग्रोसरी आइटम जैसे मतलब दाल आटा चावल लेने गए, आपने उससे होता क्या है कि जो रेट फिक्स जो कुछ चीजें होती है, मतलब सेम चीज है, मतलब एक जैसी चीज है, मान के चलिए कि आपने सब्जी लेने गए, आपने कहा कि भाई आलू का रेट क्या चल रहा है, तो अगर मान लिया आलू का रेट एक ठेले पर 20 रुपए किलो है, तो आपको वो रेट आपको हर ठेले पे मिलेगा 20 रुपए किलो। आपने देखा होगा कि जब भी आप सब्जी बाजार में जाते हैं तो आपको 20 रुपए किलो आलू के हिसाब से मिलते हैं। मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट जो हमारा सिंगल प्रोडक्ट है या फिर उसके जो प्राइस होते हैं, जो दाम होते हैं, वो एक ही रहते हैं। मतलब कंपटीशन जो परफेक्ट रहता है उसमें कोई वो नहीं होता है। यह होता है कि कहीं पे छोटे आलू, कहीं पे बड़े आलू, कहीं पे कुछ अलग आलू हैं, तो वो कंपटीशन अलग है। लेकिन अगर एक जैसा बाजार है, सब्जियां हैं, दाल है, चावल है, चीनी है, आप जाओगे ना तो आपको एक ही रेट आपको मिलेगा। ऐसे बाजार को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत उसको हम यहां पर बात करेंगे। क्लियर है सभी लोगों को यहां पर? क्लियर हो रहा है यहां पे? ये तो रहा हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, जिसके बारे में मैंने आपसे यहां पर चर्चा की। अगली जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं, अगला जो बाजार के बारे में बात करना चाह रहा हूं, वो है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब इसको थोड़ा समझिएगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता क्या है, इस पर थोड़ा मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, जैसे सामान तो है, ठीक है, सामान रेट भी सेम है, रेट तो सेम है, उस सामान का जो मूल्य है, मूल्य तो एक है, लेकिन जो क्वालिटी है, क्वालिटी समझते हो, जो क्वालिटी है वो भिन्न है। अब आप कहेंगे ये कैसे सर कि भैया रेट सेम है, क्वालिटी अलग अलग है। आप कहेंगे सर कपड़े नहीं आएंगे इसमें, ना कपड़े आएंगे, ना तो अलग, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके रेट सेम होते हैं। आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो या कभी किसी पार्क में गए हो, कहीं भी गए होंगे, आपने मिनरल वाटर बोतल सुना होगा, पानी की जो बोतल होती है, जो आमतौर पर जब भी हम यात्रा है कहीं भी जाते हैं तो पानी की बोतल बाजार से लेते हैं। ठीक है, जैसे ब्रांड है बिस्लरी, एक्वाफीना, ये ब्रांड है ना, ब्रांड है, कहा जाता है इनको बड़ी बड़ी कंपनी स्पॉन्सर करती हैं। उसके रेट क्या होते हैं, 20 रुपए। क्लियर? अब इसी चीज को थोड़ा और ध्यान से सुनेगा, इसी चीज को थोड़ा और ध्यान से सुनेगा। जब मैंने इसका ये 20 रुपए है, वहीं पर वही लोकल ब्रांड बोतल वो भी कितने की मिलेगी, वो भी आपको 20 की मिलेगी। ऐसा होता नहीं होता है? तो 20 रुपए में बोतल आपको मिलती है जिसका हम बात कर रहे हैं, मिनरल वाटर बोतल है, और वही 20 रुपए में आपको क्या मिलती है, लोकल वाटर बोतल भी मिलती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे यहां पर क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे यहां पर एक तरीके से इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट।
क्लियर हो रहा है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे सभी लोगों को? ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा ये तमाम चीजें इस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहे डेफिनेशन, अगर आप डेफिनेशन चाहें तो डेफिनेशन को भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। आपके सामने डेफिनेशन भी यहाँ पर क्या है, गिवन है। तो क्या है, एक अधिकार क्या है कि बाजार में संरचना केवल एक विक्रेता होता है। ठीक है, एक विक्रेता होता है और इसके किसी भी कीमत में निर्धारित कर सकता है वो। ठीक है, और कोई विकल्प नहीं होता तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका मोनोपोली के नाम से उसको यहां पर कहा जाएगा। अगला नेक्स्ट क्या है, ओलिगोपोली मतलब अल्प अधिकार। ओलिगोपोली के बाजार में कुछ ही फर्म ऐसी हैं जो फर्म की संख्या में हैं, आदर्श मानते हैं विक्रेता की तुलना में उनको यहां पर रखा गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोपोली के नाम से उसको यहां पर सम्मिलित करेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या है, एकाधिकार प्रतियोगिता, जिसमें यह कहा गया है कि मैंने आपसे कहा था कई सारे लोग बेचने वाले होते हैं, कई सारे लोग, तो एकाधिकार प्रतियोगिता के विक्रेताओं के साथ साथ अभी भी संख्या खरीदने का अधिकार, लेकिन इसको राष्ट्रीय उत्पाद में नहीं बेचते, तो इस तरीके से चीजों पर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। मैं आपको बता चुका हूं कि एक परिपूर्ण प्रतियोगिता संरचना है जिसमें बड़ी संख्या खरीदार, सभी विक्रेता एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, बाजार में किसी महत्वपूर्ण प्रभाव का कोई भी बड़ा विक्रेता नहीं है, इसमें बाजार में सही फर्म का प्राइस टेकर, मतलब एक ही प्राइस टेकर है, तो आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ये क्या होता है कि एक प्रतिस्पर्धा जिसमें जहां पर कई विक्रेता लेकिन सही प्रतिस्पर्धा बाजार में विपरीत विषम असमान, ठीक है, तो हेटरोजीनियस होते हैं यहाँ पर, और कंपटीशन मार्केट आदर इनपरफेक्ट नेचर, तो एक तरीके से जो मैंने बताया कि अलग अलग रेट सेम होते हैं, क्वालिटी अलग अलग होती है, तो उसको हम इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट में रखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात थी हमारा इसके बारे में। अब होता क्या है कि जब भी कोई चीज़ को बाजार में बेचते हैं तो उसका मेन मुद्दा होता है किससे, राजस्व से, जिसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू, क्या बोलते हैं उसको, रेवेन्यू के तौर पे रखा गया। तो एक होता है टोटल एवरेज रेवेन्यू और दूसरा होता है आपका मार्जिनल, इसको समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक होता है एवरेज रेवेन्यू, दूसरा होता है मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है कि मान के चलिए कोई फर्म है, इसने 100 यूनिट को बेचा और हर प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 10 रुपए एक है, तो उसने कितने रुपए कमाया, तो उसने कितने रुपए कमाया, उसने 1000 रुपए कमाया, सीधी सी बात है, तो वो उसका क्या हो गया, कुल राजस्व, हिंदी में कहूं तो उसको क्या बोलेंगे, कुल राजस्व के नाम से उसको यहां पर कहा जाएगा। ठीक है, तो ये एक कोशिश होगी। अगला क्या है, इसको समझिएगा थोड़ा सा, अगला है एवरेज रेवेन्यू, अगला है आपका एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होती है, औसत आमदनी, जिसमें टोटल रेवेन्यू में से जो जितनी भी हमारी क्वांटिटी बिकी है उसको निकाल लेंगे तो क्या आएगा, हमारा एवरेज रेवेन्यू यहां पर निकाला जाएगा, जिसको बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझे थोड़ा सा। मार्जिनल रेवेन्यू को बोलते हैं हिंदी में सीमांत राजस्व, क्या हो तो समझेगा। अभी त्योहार आ रहा है और त्योहार में, जब त्योहार में इन चीजों की चीजें आपको ज्यादा मिलेगी, आपको, आप जब बाजार जाते हैं तो आपको एक चीज मिलती है सेल, शायद आपने सुना होगा सेल सेल सेल, ठीक है, तो आपको लगता होगा कि कभी कभी कुछ लोग एमआरपी पर 50% से लेकर 70% तक वो डिस्काउंट देते हैं, शायद आपने सुना होगा डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू से क्या मतलब होता है, देखिए कोई भी बिक्री करता होगा वो दो चीजें तय करता है कि एक प्राइस उसका सेट होता है जिसको वो बोलता है, ना तो उसको लॉस होगा, मतलब ना तो उसका हानि होगी और न ही उसको लाभ होगा, एक प्राइस सेट करता है वो, मतलब प्रॉफिट, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मान के चलते हैं कोई, मैं वो समझाता हूं ऐसे करके, ऐसा समझिएगा,
कोई गुड्स है जिसका मान लीजिए कोई भी सामान है, कोई भी सामान है इसका दाम है 100 रुपए, 100 रुपए उसका दाम है, ठीक है। जो विक्रेता है, खरीदने वाला जो भी है, जो बेचने वाला, उसने तय कर लिया कि अगर वो 80 रुपए में चीजों को बेचेगा तो ना तो उसको प्रॉफिट होगा ना ही उसको लॉस होगा। इससे जितना ऊपर बेचेगा प्लस करेगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस में जाएगा तो लॉस होगा। अब इसको थोड़ा समझेगा। अब उसने मान लीजिए आपको 90 रुपए में बेचा, 90 रुपए में बेचा, ठीक है। तो आपको लगेगा कि 100 रुपए की चीज मुझे 90 पड़ी, मतलब सस्ती पड़ी, सस्ती पड़ी। लेकिन इसी बीच में दुकानदार ने भी 10 रुपए क्या कर लिया, फायदा कमा लिया। जैसे मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं, एक और सुनेगा। आप जहां रहते हैं आपके घर के पास दो दुकानदार है, एक शॉप है ए और एक शॉप है बी। अब इसको थोड़ा इससे समझिए। थोड़ा जो ए शॉप वाला वो थोड़ा सा पास में आपके, और जो बी शॉप थोड़ा सा दूर है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा वो पास वाले थोड़ा सा आसपास में है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे ले लेते हैं, इसको ऐसे समझिए कि बी शॉप वाला यहां से लगभग 50 मीटर पर है, ये बी शॉप वाला है। ये जो ए शॉप वाला है ये आपको देता है एमआरपी पर, जो भी आप सामान लोगे एमआरपी पे आपको देगा। लेकिन बी शॉप वाला है वो एमआरपी से थोड़ा सा, एमआरपी समझते हो ना, जो दाम लिखे रहते हैं आपके सामान पे, उससे थोड़ा सा आपको कम रेट पर देता है। आमतौर पर क्योंकि हम सब भारतीय, हम हमेशा चीज होते चीप एंड बेस्ट, सस्ता बढ़िया मजबूत। तो जब मैंने आपसे कहा कि भैया आप घर पे हो, घर के पास, तो आप भी खुद सोचोगे कि एक दुकान है जो एमआरपी पे देता है, लेकिन जो दूसरा दुकानदार वो एमआरपी से थोड़ा कम देता है। तो ये आप सोचो, ये जितने दुकानदार हैं ये इसी चीज को अपनाते ताकि ग्राहक उनके बढ़े और बिक्री हो। वो बेवकूफ नहीं है जो कम रेट बेच रहा है, उसको मालूम है ये पॉलिसी है, ये मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग की पॉलिसी है जिस आधार पर चीजों को वो बेच रहा है। इसको समझिए, इसको नहीं समझे अब समझ में आएगा। एमआरपी से कम। अब आप मुझे बताओ कि जब भी आप बाजार जाओगे, आप बाजार जाओगे उससे कहोगे भैया मुझे, आप जाओगे तो भैया इससे मत लेना, इससे सामान मत लेना, सामान किससे लेना है, सामान लेना इससे, बी वाले से लेना। क्यों? क्योंकि ये रेट सही लगाता है, इसके दाम सही है, ए वाले के दाम सही नहीं है, वो एमआरपी को महंगा बेचता है, ये तो बोलोगे। और कोई पूछेगा तुमसे कि भैया कोई दुकान आसपास है तो आप ए बताओगे, आप कहोगे नहीं बी वाले से लेना क्योंकि इसके रेट सही हैं, इसके रेट सही हैं इसलिए इससे बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। यही तो मार्केटिंग पॉलिसी है। तो इसलिए चाहे वो मॉल हो, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, सभी लोग ऐसी करते हैं, वो नुकसान में नहीं बेचेंगे, वो मालूम है कि जिस रेट बेचेंगे वो तभी फायदा कमा लेंगे। तो इसको बोलते हैं मार्केटिंग प्लानिंग, ठीक है। ये मार्केटिंग का हिसाब किताब होता है जिसके बारे में बात करें। क्लियर है यहाँ पे? तो आई थिंक आपको मार्जिनल रेवेन्यू समझ में आ गया होगा। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है जिसके बारे में हमने बता चुके हैं, और वो कम रेट में ज्यादा प्रोडक्ट बेच सकता है, ऐसे तरीके से ज्यादा चीजों को वो यहाँ पर बेच सकता है, ठीक है। तो ये है आपकी क्लास, आई होप से क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, ठीक है। और जरूर इसके क्लास से जरूर बताइए, मार्केट के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसमें से मैंने कुछ रिव्यू किए हैं, इससे क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोगों के लिए इस क्लास को हम आपके सामने लेकर आए, ठीक है। बाकी और भी क्लासेस होंगी वो भी कराई जाएंगी आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए धन्यवाद।